सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका जागृति। तो हमारा आज का उपविषय है उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि उल्टे अर्थ वाले शब्द कौन से होते हैं, ठीक है? तो इसकी परिभाषा है कि किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम उल्टे अर्थ वाले शब्द कहते हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को बच्चों हम विलोम शब्द भी कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो आओ सबसे पहले हम इसकी परिभाषा करते हैं। किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम उल्टे अर्थ वाले शब्द कहते हैं। तो बच्चों आओ कुछ उदाहरण के साथ हम उल्टे अर्थ वाले शब्द करते हैं। तो सबसे पहला हमारा शब्द है गरम। तो बच्चों गरम का उल्टा अर्थ क्या हुआ? ठंडा। एक उदाहरण के साथ हम इसे करते हैं। जैसे बच्चों आपको गर्मी के मौसम में सर्दी के मौसम में बच्चों क्या पसंद होता है? कॉफी पीना पसंद होता है। ऐसे ही गर्मी के दिनों में बच्चों आपको क्या अच्छा लगता है? आइसक्रीम। तो गर्म का उल्टा अर्थ क्या हुआ? ठंडा। ओके बच्चों, उसके बाद दूसरा है हमारा मोटा। मोटा का उल्टा अर्थ क्या हुआ? पतला। तो बच्चों आप सभी मोटू पतलू कार्टून देखते हो, उसमें जो उन दोनों की जोड़ी होती है उसमें एक मोटू होता है और एक पतलू होता है। ऐसे ही मोटा का उल्टा अर्थ क्या हुआ? पतला। उसके बाद सफेद काला। ये देखिए बच्चों, अब ये मार्कर है। मार्कर के नीचे वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है, किस रंग का है? सफेद रंग का है। ऐसे ही जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है वो काले रंग का है। तो सफेद का उल्टा क्या हुआ? काला। तो सफेद का उल्टा अर्थ होता है बच्चों काला। उसके बाद रात। रात का उल्टा अर्थ क्या हुआ बच्चों? दिन। जैसे रात को बच्चों आपको तारे दिखाई देते हैं तो हम बोलते हैं कि रात हो गई है। ऐसे ही जब सब सुबह सूरज दिखाई देता है तो हम क्या बोलते हैं कि दिन हो गया है, सुबह हो गई है। तो रात का उल्टा अर्थ क्या हुआ बच्चों? दिन। उसके बाद ऊपर। ऊपर का उल्टा अर्थ क्या हुआ बच्चों? नीचे। जैसे आसमान कहाँ है बच्चों? ऊपर है। ऐसे ही हम रहते कहाँ हैं? धरती पर। तो ऊपर का अर्थ क्या हुआ? नीचे। तो ये थे हमारे कुछ विलोम शब्द जिसे हम उल्टे अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। एक बार हम इसकी परिभाषा फिर से दोहराते हैं कि किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम उल्टे अर्थ वाले शब्द कहते हैं। ओके बच्चों,